Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video, we will be discussing the second part of the lecture dysmenorrhea, in which we will be discussing secondary dysmenoria.

हमने प्राइमरी डिसमेनोरिया पढ़ा था उसमें भी पेन था ड्यूरिंग मेंसेस ही था बट वहां पर कोई पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं थी बट यहां पर पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट है मूविंग ऑन कॉसेस ऑफ पेन क्या हो सकते हैं पेन में भी रिलेटेड टू इंक्रीजिंग टेंशन इन द पेल्विक टिश्यूज ड्यू टू प्री मेंस्ट्रुअल पेल्विक कंजेशन और इंक्रीज्ड वैस्कुलैरिटी इन द पेल्विक ऑर्गन्स तो क्या होता है पेन किस वजह से हो रहा है जो टेंशन है या फिर जो है क्योंकि वो बढ़ गई है क्योंकि कंजेशन हो गया है पेल्विक ऑर्गन्स का तो उस वजह से हमें पेन देखने को मिल सकता है सो so, ये पेल्विक कंजेशन हो सकता है या फिर टेंशन इंक्रीजिंग टेंशन हो सकता है पेल्विक टिश्यूज में नाउ अगर हम कॉमन कॉजेस की बात करें तो हम सबको पता है कि क्योंकि इसके पीछे पेल्विक है, तो यहां पर इस में सारी चीजें से होगी, जैसे सर्वाइकल स्टिनोसिस हो गया क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन हो गया पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत हो गई एडहेशम्स का फॉर्मेशन हो गया एडिनोमायोसिस मान लो जो एंडोमेट्रियम है वो मायोमेट्रियम में इनकॉर्पोरेट हो गया है या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड का केस है पॉलिप का केस है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का केस है या फिर पेल्विक कंजेशन की वजह से भी ये हमें देखने को मिल सकता है नाउ टॉकिंग अबाउट द पेशेंट्स प्रोफाइल ज्यादातर ये थर्टीज़ में देखने को मिलेगा और ये पैरस वुमेन में ज्यादा देखने को मिलता है मूविंग ऑन अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेन जो होता है वो डल होता है एंड इट विल बी सिचुएटेड इन द बैक एंड फ्रंट विदाउट एनी रेडिएशन सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि ये किसी पेल्विक पैथोलॉजी की वजह से हो रहा है तो दिक्कत वही होगी दर्द वही होगा जहां पे पैथोलॉजी प्रेजेंट हो या फिर वो उस दर्द को ही हमें बताएगा सो so, यहाँ पर कोई भी रेडिएशन देखने को नहीं मिलता है ये तीन से पांच दिन प्रायर टू तो द पीरियड होता है एंड विद द स्टार्टिंग ऑफ ब्लीडिंग प्री प्रीमेन्सुरल कंजेशन जो हो रहा था कंजेशन ब्लड सप्लाई बढ़ रही थी तो उस टाइम पेन हो रहा था और उसके बाद जब ब्लीडिंग हो जाती है तो ये विद द स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग ये रिलीफ हो जाता है मूविंग ऑन द ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द पेन डिपेंड्स अपॉन द पैथोलॉजी प्रोड्यूसिंग द पेन तो जो ऑनसेट और ड्यूरेशन है पेन का ये किस चीज पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया पैथोलॉजी पे डिपेंड करता है देयर इज नो सिस्टमिक डिस्कंफर्ट अनलाइक प्राइमरी डिसमेनोरिया हमें यहाँ पे कोई भी सिस्टमिक डिस्कंफर्ट नहीं मिलेगी पेशेंट में हैव गॉट सम समिस्कंफर्ट इवन इन बिटवीन पीरियड्स पेशेंट में कुछ डिसकम्फर्ट मिलेगी पीरियड के बीच में जी अब अब डोमल और वेजाइनल एग्जामिनेशन हम करेंगे तो क्यूँकी यहाँ पर पेल्विक पैथोलॉजी है हमें कोई न कोई ऑफेंडिंग लीजन देखने को मिल सकता है कई बार ये जो लीजन है ये लैप्रोस्कोपी हिस्टेरस्कोपी और लैप्रोटोमी की हेल्प से भी रिवील हो सकता है मतलब उसके बारे में हमें पता चल सकता है मूविंग ऑन ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम ट्रीटमेंट को हम जो कॉज का ट्रीटमेंट है वो करेंगे rather than the symptom. और ये ट्रीटमेंट किस चीज पे डिपेंड करेगा सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा फीमेल की एज पे डिपेंड करेगा और डिपेंड करेगा उसकी पैरिटी पे नाउ मूविंग ऑन अगर हम कॉजेस की बात करें कि यूनिलेटरल डिस्मिनोरिया क्यों होगा तो अगर ओवरी की वजह से डिस्मिनोरिया हो रहा है या फिर बाइकोनुट यूटेस की प्रॉब्लम है कुछ पेल्विक एंडोमेट्रीट इसका केस है वो भी यूनिलेटरल या फिर कोई small fibroid बन चुका है 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 जो कि सिर्फ एक पर ही present है. Right Ovarian Syndrome है या फिर सीकल की वजह से अगर हो रही है तो ये सारी कंडीशन में हमें एक तरफ ही पेन देखने को मिलेगा मूविंग ऑन यहाँ पर लिखा हुआ है एक और चीज जो कि है ओवेरियन डिसमिनोरिया नाउ व्हाट इज ओवेरियन डिसमिनोरिया ओवेरियन डिसमिनोरिया यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है ये यूज किया गया है राइट ओवेरियन वेन सिंड्रोम के लिए नाउ वॉट इज दिसन वेन क्रॉसेज द यूरेटर एट राइट एंगल सो जो राइट ओवेरियन वेन है ये कॉस करती है यूरेटर को राइट ओवेरियन वेन है ये यूरेटर को राइट right एंगल पे क्रॉस कर रही है सो दिस इज मान लो ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है ड्यूरिंग मतलब जब कंजेशन का वक्त होता है तो क्या होता है उस इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो ब्लड फ्लो यहाँ पर वेन्स में इंक्रीज हो जाएगा तो उस वजह से क्या होगा ये वेन्स एंगोजमेंट हो जाएगा इसमें और ये क्या करेगा ये जो हमारा यूरेटर था उसको देने लगेगी प्रेशर अब ये जो यूरेटर है उसको ये वेन ने प्रेशर दिया जो कि 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा ये स्टैसिस कर देगा यूरिन का उसकी वजह से क्या होगा होगी यूरिन की तो उस जगह पर इंफेक्शन होगा इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से पाइलोनेफ्राइटिस की दिक्कत होगी एंड फाइनली पेन कॉज हो जाएगा सो so, क्योंकि ये राइट ओवेरियन वेन इसमें इन्वॉल्व है दिस इज नोन एज ओवेरियन डिसमिनोरिया आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियो अपलोड करूँ तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ऑल्सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेडिक्योर बडीज के अपकमिंग अपडेट को मिस ना करो थैंक यू